हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एक साथ आधा दर्जन दुकानों के टूटे ताले। सरहदी बाड़मेर जिले में सर्दी बढ़ने के साथ ही चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं और रात्रि में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दो दिन पूर्व बाड़मेर के रामसर में एक दर्जन दुकानों में चोरी की वारदात से बाड़मेर पुलिस अभी तक पर्दा उठा नहीं पाई थी कि बीती रात विशाला गांव में अज्ञात चोरों ने 6 दुकानों को निशाना बनाया और ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान व नकदी चुराकर फरार हो गए। रविवार सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचे तो दुकानों के ताले टूटे देखे तो होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने विशाला चौकी पुलिस को इसकी सूचना दी। दुकानदारों का कहना है कि रात को शादियों की सीजन थी और सब लोग शादियों की विभिन्न आयोजनों में व्यस्त थे, उसी का अज्ञात चोरों ने फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे दिया। वहीं विशाला पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई दुकानों में चोरी की वारदात के बाद पुलिस की गश्त प्रणाली पर हुई कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरी की वारदातें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि चोरों ने दुकानों में रखे लाखों रुपए और सामान को पार कर 9:00-11:00 हो गए। मेरा नाम तो कैलाश हो गया। कौन सा गांव है? यही गांव मेरा। गांव का नाम? गांव का नाम विशाला। विशाला क्या हुआ विशाला में रात को? विशाला में तो चल चोरी की वारदात सामने आई है। 5-6 दुकानों के ताले टूटे रात को। शादियों का माहौल था, लोगों ने उसका मौजूद फायदा उठाकर और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो चौकी से कितनी दूर है दुकानें चोरी हुई? जो चौकी से तो जस्ट सामने ही है, चौकी के जस्ट 20-30 कदम दूर इतनी दुकानें ही है। वो मतलब मेन स्टेशन रोड पे दुकान है, 5-6 दुकान। इससे पहले कभी चोरी हुई? नहीं, ऐसी चोरी हुई तो है लेकिन एक भी दुकान पर एक साथ 5-6 दुकानों की चोरी आज तक कभी नहीं हुई। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।